Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज का जो reaction video होने वाला है वो है शमशेरा के official teaser के ऊपर. अभी 43 minutes दिखा रहा है, यानी कि एक घंटे पहले ही trailer जो है रिलीज हुआ है. अमर डालमी को वो पता नहीं, और आप लोगों को ये बता दूँ कि नया जो मेरा vlog है वो भी आ चुका है. तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं. फिलहाल अभी बिना टाइम वेस्ट किए इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं. सांसों में तूफानों का डेरा, निगाहें जैसे चील का पहरा, कोई रोक ना पाएगा इसे. क्या बात है, जब उठे ये पल के सवेरा. करम से डकैत, धर्म से आजाद. अच्छा, मेरे को जब मैंने पोस्टर देखा ना तो पता नहीं, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि नीचे से डिस्क्रिप्शन में तो गलत नहीं दे रहा है, ऐसे हल्का सा मतलब रणवीर सिंह ऐसा लग रहा था वो ऊपर पोस्टर में, उसका जो लुक है रणवीर कपूर का. तो गाइस, अभी रणवीर कपूर की लास्ट ब्रह्मास्त्र मूवी आने वाली है, उसमें भी कुछ इसी तरह से उनके सीन्स देखने को मिलने वाले हैं. यानी कि थोड़ा सा एक्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं, और बहुत टाइम बाद रणवीर कपूर इस फॉर्म में आए हैं. मतलब बीच में कुछ मूवीज़ उनकी आई थी बट उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई, एंड काफ़ी टाइम से वो थोड़ा पीछे भी चल रहे थे. अब जाके वो थोड़ा सा अपने फॉर्म में वापस आए हैं. तो शमशेरा मूवी है, इसमें मैं उम्मीद कर ही रही थी कि भाई अब संजय दत्त और संजय दत्त का लुक बहुत खतरनाक होने वाला. तो जिस तरह से उनकी स्टार्टिंग में लुक दिखाया गया, गजब यार. मतलब संजय दत्त इस तरह के विलन के किरदार में अलग ही नज़र आते हैं. एंड यहाँ पर बात करूँ रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अलग किया गया है. मतलब मैंने उनको कभी शायद आज तक किसी ऐसी मूवी में, आई थिंक रॉक स्टार में शायद लंबे बाल थे इतने, मतलब इस तरह के उसमें नहीं देखा है. एंड हिस्टोरिकल शायद किसी मूवी पे, किसी कहानी पे, ओरिजिनल कहानी पे बेस्ड है या क्या है, मुझे मतलब कहानी के बारे में बिल्कुल पता नहीं कि क्या होने वाला है. बट हाँ, जिस तरह से सीन्स चल रहे थे उसे देख के मैं बोल सकती हूँ कि पुराने ज़माने का ये किरदार निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं. तो जो मूवी है, जो टीज़र है वो तो काफ़ी सही लग रहा है देखने में. पर ट्रेलर आने में ख्याल से अभी बाकी है, क्योंकि जुलाई में मूवी रिलीज़ हो रही है. तो जुलाई था ना शायद, 22 जुलाई, हाँ. तो अभी टाइम लगेगा आने में ट्रेलर. फिलहाल टीज़र की बात करूँ तो यार गजब गजब, जिस तरह का टीज़र होना चाहिए उसी तरह का टीज़र यहाँ पर देखने को मिला है. एकदम कहानी भी पता नहीं चल रही है, सस्पेंस बरकरार है. जिस तरह से उसमें इफेक्ट्स डाले गए हैं, जिस तरह से पूरा वीडियोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी की गई है, ए वन है. तो ठीक है गाइस, ये था यहाँ पर इस टीज़र के ऊपर रिएक्शन, और मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस.